बिन पानी सब सुन। यूपी के जनपद महाराजगंज में झूमकर बरसे बदरा और यहाँ नहीं है पानी। यूपी के जनपद महाराजगंज के तहसील नौतनवा के ग्राम परौली में पानी की दरकार। बता दें पिछले दो वर्षों से इस गांव में लोगों को पीने की पानी से लेकर नहाने तक की पानी की समस्या का दरकार है। गांव में घर घर नल है और चालू भी है, चाहे जितना चला लो पर निकलता पानी ही नहीं है। गांव में दो नल है जहां पानी मिलता है, शेष पूरे गांव में पानी ही नहीं है। ग्रामीणों अनुसार पिछले वर्ष नगर पालिका ने पानी का टैंकर भेजा था, पर उसने पानी के नाम पर मजाक किया था। पीने योग्य पानी ही नहीं था, पानी हमारे गांव में नहीं है। यह बात जिला प्रशासन भी जानता है, पर कोई ठोस पहल नहीं किया गया। गांव का जलस्तर ऊपर उठ सके, वहीं इस बार गांव में दो नल थे जिनके वजह से हमारा काम चल गया। पर जल संरक्षण करने और जल स्तर बढ़ाने का यदि पहल नहीं किया गया तो कुछ दिनों बाद गांव ही हमें खाली कर पलायन करना पड़ेगा। वैसे भी काफी लोग पहले से ही पलायन के लिए कर लिए हैं, कभी कभी गांव में आते हैं, अपना घर शहर या आसपास के गांव में बनवा लिया है। वहीं ग्राम प्रधान ने भी बताया कि उसने जल समस्या हेतु जिला प्रशासन व सांसद से कहा था, पर कोई पहल नहीं हुआ। इस समस्या का कोई सुर नहीं ले रहा है। तालाब खुदवाए गए हैं, जल संरक्षण जितना हम लोग कर सकते हैं कर रहे हैं। प्रशासन से चाहते हैं कि ठोस पहल हो। वहीं नगर पालिका से आए पानी को शुद्ध बताते हुए ग्रामीणों को ही गलत ठहरा दिया गया। फिलहाल जो भी हो, बारिश होने से हल्की फुल्की राहत जरूर आई है, पर पानी की समस्या पर पहल की आवश्यकता है कि आज पास गांव में पानी आ रहा है तो इस गांव में पानी क्यों नहीं आ रहा है, आखिर क्या समस्या है आदि की जांच पड़ताल जरूरी है, वरना बिन पानी सब सुन हो जाएगा। जब ये आता है मई जून में ही होता है हमारे वहाँ, तो पर साल भी हम लोग शिकायत किए, या तो चेयरमैन साहब भेजाए हो या तो डीएम साहब भेजाए। हमारे यहाँ जो पानी आया था उसमें गोबर था, गाय का था या भैंस का था, वही पानी मिला था हम लोगों को पीने के लिए, तो कोई पिया ही नहीं। तभी इस साल हम लोग नहीं कहे, किससे कहा जाए, हम लोग कहेंगे तो हम लोग कोई सुनेगा नहीं। तो पानी की आवश्यकता कैसे पूर्ति की जाती है? हम लोग लाते हैं, कम से कम यहाँ से जाते हैं, सरकारी स्कूल है वहाँ स्कूल के पास से ही पानी लाते हैं। यहाँ कितनी दूरी पे है? कम से कम होगा, हाँ वही है जो प्रधान होगा। तो यहाँ किसी के नल में कोई पानी नहीं है? नहीं, यहाँ हमारे टोले में जितने लोग हैं सबके पास पानी नहीं है। चलते नहीं केकर केकर पाइप झुराइल बटे और उसे खड़ा बफर केकर केकर गांव में पाइप झुराइल केकर केकर कहाँ कहाँ खोजी हम पूरा गाँव की हलवा अपन वाला जान देखे तो बताब सलामत अरे महीना दिन 15 दिन से बहुत हालत खराब दिन ऐसी। तो पानी की पूर्ति आपके गांव में आप लोगों की कैसे होती है? अभी से ज्यादा पानी मंदिर के मंदिर के पाइप से ज्यादा पानी, तो इससे नहाने धोने सबका हो जाता है? जिससे शहर में जी नहा के कपड़ा नहीं भिजा पाओ था। कोई अधिकारी कभी जांच में आया? नहीं, कोई नहीं। जानते लोग हैं? साल प्रधान डीएम से कह रहे टैंकर भेजना पानी की कन्हई आई लग में जो भी रहे वो पिए ना आएगा जनता की। तो इस पे आप लोगों ने कोई आंदोलन बवाल नहीं किया था क्या? काम करें गवार में नहीं हमारे हम जान रहे 15 हजार हो गए। इससे पहले भी कहीं समस्या आई थी? हाँ पहले पर साल। क्या क्या समस्या थी? पूरी समस्या क्या पूरी जो समस्या आज है वही समस्या पहले थी। आज क्या समस्या है? आज समस्या तो यहाँ तो ठीक है लेकिन यह टोला का पानी यहीं से चलता है। कौन सा टोला? पूरा परौली का, यह सड़क के इधर इधर पानी किसी घर नहीं मिलता है। क्यों नीचे पानी नहीं है? कहाँ ने काट दिया जाए, झटका मार रहा पाई। गांव में आपके कितने तालाब होंगे? अब हम नहीं बता पाए कितना बके करके करी है या पाई तालाब तो चार पाँच खबा सुली होगा, पोखरा हो होगा या बीच में तो बाने हुआ पोखरी बा अति नहीं होगा, इसलिए उसमें पानी आता रहता है ना, पानी नहीं जाता है, सूख जाता है। इसकी कभी किसी बड़े अधिकारी शिकायत आप लोग किए हैं? नहीं, समस्या बाबू यही है कि पानी गांव में छोड़ दे रहा, सबका बहुत हल्का फुल्का यही दे रहा है।
कितने दिनों से ये समस्या आ रही है? अरे समस्या तो जब बारिश नहीं होता तो हमेशा रहता है समस्या। तो ऐसे में पानी की पूर्ति जो घर में खर्च है कहाँ से आता है? कहाँ से? घर से वही नल में से आता है, और कहाँ से आता है। तो जब नल पानी ही नहीं देता ऐसी स्थिति में पानी का खर्च कहाँ पूरा होता है? अब पूरा ही होता है, कभी पूरा ही होता है, कभी हमारा देता है तो आदमी आते हैं इस पद से ले जाते हैं, हमारा बंद होता है तो किसी और के देता है, ऐसा हेरा फेरी होता है काम आदमी का। पानी से यहाँ पे कोई बीमार भी पड़ जाता है? अब पानी से बाऊ पानी खराब रहेगा तो बीमार आदमी पड़ेगा ही। ऐसा कोई समस्या आता है गांव में? समस्या आदमी हमेशा बीमार होता है। पानी का तो एक शिकायत आप लोग नहीं कहीं करते हैं? कहाँ शिकायत, पानी वानी आखिर यहाँ कैसे पानी लोग पीते हैं? पानी नहीं मिलता गाँव में तो नहाने धोने के लिए कहाँ से लाते हैं? अरे बड़ी न पानी भर के नहाई पोखर में पानी बुड़की चला मारे पानी आज बरसल है चला पोखर में बुड़की मारे कौन आज बरसल तनी मनी पानी देवे करी अब तो नहाय में दिक्कत होला? हाँ तब का चला चला हाथ में घट्टा घट्टा पर जाता तो का करी अब कैसे नहाई करी वैसे नहाई। हम गए वहाँ गगरी वगैरह लेकर के, उसके बाद मानचो देखने से सुबह का टाइम उसमें जोंक है तो उसमें गाय का गोबर है, कौन पिएगा उस पानी को? प्रधान से नहीं गए? प्रधान लाया बटवा के चला गया, फिर प्रधान से कहने कौन जाता है? हर साल की प्रक्रिया, दिन सुबह हल्ला किए सब लोग की कौन पानी ला ला, कौन पानी लाई लाला, कहने भाई टैंकर से आया था नौतनवा से। तो कहना चाहिए आखिर ऐसा क्यों है? आपको बताना चाहिए ना आखिर ऐसा क्यों है भाई? वो कहे हम भी ऑर्डर दे लाकर यहाँ कर दिया गाड़ी को, कोई कार्रवाई नहीं कुछ नहीं। पंचायत पड़ोली यहाँ पे वाटर लेवल लगातार कम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कम होता है, ये करीब 15 साल से प्रक्रिया हुई है, नहीं इसके पहले तो इसका वाटर लेवल यहाँ हमारे यहाँ का 15 फीट पर था। तो प्रशासनिक अधिकारी या शासन के लोग क्या कहते हैं? कुछ नहीं किए उसमें, उस संबंध में उन लोगों ने कुछ नहीं किया। मैंने सबको अवगत कराया, समय समय पर अवगत हम कराते रहे, लेकिन कुछ उन लोगों ने नहीं किया उसके संबंध में। और हमारी कृषि की, कृषि भी प्रभावित होती है इसलिए बोरिंग के वाटर लेवल डाउन हो जाते हैं, और निजी पानी पीने के लिए जो नल गड़े हुए हैं वो भी प्रभावित होते हैं, लोग बहुत दिक्कत उठाते हैं, अच्छा पानी भी नहीं मिल पाता। इंडिया मार्का हैंडपम्प की? इंडिया मार्का पंप हमारे यहाँ कुल 15-16 लगे हुए हैं, जिसमें 2-3 लोगों ने बर्बाद कर दिया, वो कोई घर बना लिया उजाड़ के, कोई कुछ कर लिया, और करीब 12-13 हैंडपम्प हैं जिसमें 3 खराब थे, 2 की रिबोर हो गई है, 1 ये भ्रष्ट हो गया है नीचे से, परसाल बाढ़ आई तो नीचे से ये दग गया, तो ये नहीं किए सामान वो लोग रखे हैं, लेकिन अभी इसको रिबोर नहीं किए, 3 महीना हो गया उसका सामान ये रखा हुआ मेरे यहाँ पंचायत भवन में। आप वाटर लेवल बढ़ाने की बात जब अपने अधिकारियों से करते हैं तो क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी कुछ नहीं कहते हैं, वो आश्वासन देते हैं, आश्वासन देकर चुप हो जाते हैं। और किस प्रकार का आश्वासन देते हैं? आश्वासन देते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, प्रधान जी मेरे पास मजबूरी है, मशीनें नहीं है जिले में, तो जब तक मशीन नहीं आएगी वो गाड़ने वाला बोरिंग, जब तक वो मशीन नहीं आएगी हर ब्लाक में, तो 40-50 लाख की मिलती है सुनते हैं, पता नहीं उसका नाम भी जानते थे भूल गया हूँ, वो मशीनें मेरे यहाँ चाहिए। मैं संसद जी से अपने तकरीर में मैंने कहा, ब्लाक पर तमाम मजमा था, और उसके पहले हर्षवर्धन जी से मैंने भी कहा, अपील किया था कि अगर आप किसान के बहुत हमदर्दी हैं, जनता के हमदर्द हैं, आपको हमेशा जनता बनाती है, तो आप ब्लाकों में एक एक नहीं तो जिले में कम से कम 2-3 मशीनें कर देते तो पूरे जिले में अच्छी बोरिंगें हो जाती। हमारे पास पहले 100 फुट की बोरिंग थी लोहे की, जब उसे बोगी से गड़ता था तो वो पानी बढ़िया देती थी, और उससे कम से कम कुछ नहीं तो सिंचाई 1000 एकड़ कम से कम सिंचाई उससे होती थी 1000, और वो बोरिंग हमारी खराब हो गई, और बोगी वाली, बोगी भी ब्लाक पे था, वो लोगों ने बेच खा लिया ब्लाक वाले, बोगी वाली बोरिंग भी नहीं है, उससे कर्मचारी हैं तनख्वाह लेते हैं, तो बोरिंग 50-60 फुट 70 फुट जो सरकार बांट रही है वो बोरिंग जो होती है 70 फुट देता है ब्लाक, 70 फुट बोरिंग से पानी सही तरीके से दरवाजे गाड़े, जब तक 100 फुट 150 फुट 200 फुट
और मशीन से नहीं गाड़ेंगे। तो आपके गांव में जिस तरह की समस्या लगातार पानी की बढ़ती जा रही है, जी जी, ऐसे में उसको रोकने के लिए जल संरक्षण की क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप अपने स्तर से? अपने स्तर से हम पोखरी उखरी गांव सभा की तरफ से, नरेगा की तरफ से खुदवाते हैं और उसमें पशु के लिए। टोटल गांव में कितनी पोखरियां हैं? हमारे यहां कम से कम होंगी 8 पोखरियां। तो आपने कितनी पोखरी खुदवाई है? हमने 4 पोखरी खुदवाई है। 4 कब की हैं? चार ये 2008 में पोखरा खोदा गया था 3 एकड़ 8 डिसमिल का, और उसके बाद लगातार हर साल 1-2 पोखरी खोदवाते हैं। पानी भरने के लिए किस तरह के व्यवस्था की जा रही है? पानी उसमें भरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये हमारा 3 एकड़ 8 डिसमिल का पोखरा ये महाव नदी के नाले से ड्रेन से जुड़ा हुआ है, उसमें पानी आ जाता है, ताल से पानी आ जाता है, बरसता है, पानी भर जाता है, वो साल भर चलता है। तो वह तो जमीन भी ऊसर कर देता है? नहीं, अब जमीन तो ऊसर यहाँ है नहीं। हमारे यहाँ ऊसर कहीं, हमारे यहाँ डिसमिल नहीं है, हमारे यहाँ की जमीन उपजाऊ है, ऊसर नहीं। जनपद महाराजगंज के बरगदवा से मोहन मदेशिया की रिपोर्ट।